ठाट मेला महोत्सव की गाड़ी, यानी कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आप सभी ग्वालियर वासियों को और सभी YouTube, Facebook, Instagram पर आप देख रहे हैं ग्वालियर मेला महोत्सव पेज के सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय खाटू नरेश। और आज मैं यहाँ पर रंग महल गार्डन में यहाँ पर उपस्थित हूँ और रंग महल गार्डन के गेट पर मैं उपस्थित हूँ। आज प्रोग्राम है रसिक संत श्री चित्र विचित्र बिहारी दास जी महाराज की भजन में संध्या यहाँ पर है, एक श्याम राधा माधव के नाम, रंगपंचमी महोत्सव प्रोग्राम में। और भाविका पगली जी श्री धाम वृंदावन से यहाँ पर पधारी हुई हैं। और चलिए अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है सभी श्याम प्रेमियों के लिए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर सभी श्याम प्रेमियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। और सभी श्याम प्रेमी अंदर जाते हुए, और आज पूरा ग्वालियर श्याम रंग में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर श्याम रंग में डूबा हुआ है पूरा ग्वालियर। गिरिराजी सेवा मंडल द्वारा यहाँ पर सभी श्याम प्रेमियों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई है। सभी के जूते चप्पल सभी टोकन के द्वारा यहाँ पर सभी को दिए जा रहे हैं और सभी के सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। श्याम मंडल जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी भक्तों की यहाँ हाँ जोड़ी जूते चप्पल की व्यवस्था निःशुल्क है, फ्री है, निःशुल्क है, फ्री है। हाँ श्री गिरिराजी सेवा मंडल द्वारा हाँ एक आपके लिए भी है डैन वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से एक आपके लिए। और चलिए अब अंदर आपको लेकर चलता हूँ। और अंदर यानी कि चित्र विचित्र जी महाराज के मुख से सुंदर श्याम भजन यहाँ पर चल रहे हैं। और साथ में यहाँ पर बाउंसर टाइगर रॉयल टाइगर की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और अंदर जाने वाले सभी श्याम प्रेमियों के माथे पर चंदन लगाते हुए। और यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग ग्वालियर से आए हैं, चेतकपुरी से। चेतकपुरी से आए हैं जी। आज राधा माधव जी की और चित्र विचित्र जी के भजन सुनने के लिए। तो आपको कोई भजन आता है बाबा श्याम का? दो बच्चे गाएंगे। अच्छा आपको आता है बाबा श्याम का भजन? राधा खाटू श्याम का, बाबा खाटू श्याम का। ना गोरे का ना काले का घर श्याम, मुरली वाले का मैं लाडला, खाटू वाले का मैं लाडला, खाटू वाले। जय श्री श्याम। एक आपके लिए है वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से और डैन और ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से एक आपके लिए। और चलिए अब आपको अंदर लेकर चल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। हाँ ये बहुत ही अच्छी साज सज्जा यहाँ पर की गई है और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और सीधे आपको अंदर लेकर चलता हूँ, यानी कि आपको लेकर चलता हूँ चित्र विचित्र जी महाराज के प्यारे से भजन। आज यहाँ पर श्री गिरिराजी सेवा मंडल द्वारा श्री श्याम संकीर्तन रंगपंचमी महोत्सव पर और चित्र विचित्र जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। और आप जी देख सकते हैं ये वाली लाइन, यानी कि यहाँ से सीधे बाबा की जोत, बाबा श्याम की जोत जल रही है। जोत के आशीर्वाद और दर्शन के लिए ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली लाइन बाबा की जोत के लिए जाती हुई ये वाली लाइन और जोत के दर्शन करने जाती हुई। और यहाँ पर भी बहुत शानदार व्यवस्था रखी गई है। और सभी बाउंसर्स की टीम टाइगर रॉयल टाइगर की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हाँ लालू भैया की टीम से हाँ लालू भैया की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और कितने करीब हमारे बाउंसर लगे हैं भैया यहाँ पर? 30 बाउंसर लगे हैं टोटल। 30 बाउंसर हाँ। लगे हुए पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं वहाँ पर। लगे हैं 5 हम लोग इधर लगे हैं, 5 हाँ। आप लोग यहाँ पर लगे हुए। एक आपके लिए भी है डैन शर्मा जी की ओर से एक आपके लिए। और यहाँ पर हम सीधे अंदर जाते हुए और आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाली लाइन सीधी जा रही है बाबा के दर्शन की ओर और
पूरे श्रद्धालु यहाँ पर यानी कि पूरे ग्वालियर वासी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं राधा माधव जी की यानी कि एक शाम सांवरे के नाम। और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और ये आप देख रहे हैं बाबा श्याम के सभी श्याम दीवाने भक्त आज यहाँ पर मौजूद हुए रंग महल गार्डन में। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा आज यहाँ पर रंग पंचमी महोत्सव पर सभी श्याम प्रेमी दूर दराज से आए हुए सभी श्याम प्रेमी हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बाबा श्याम के कीर्तन में और लगभग 10,000 की संख्या में यहाँ पर सभी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं बाबा श्याम का कीर्तन सुनने के लिए। बोलो हारे के सहारे की, बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी के मुख पर बाबा श्याम के भजन सुनने आए हुए हैं सभी श्रद्धालु। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सभी श्रद्धालु और बाबा के भजन में रमे हुए सभी श्रद्धालु आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और बाबा का कीर्तन सुनने आए हैं सभी ग्वालियर वासी। आप देख सकते हैं दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालु आज यहाँ पर रंग महल गार्डन में और बाबा की भक्ति में रमे हुए हैं सभी श्रद्धालु। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम डीडी नगर से आए हुए ग्वालियर। हाँ जी बाबा श्याम के हाँ बस आज ही का दिन का इंतजार था हम लोगों को। हाँ बस सभी लोग आज बाबा श्याम के रंग में डूबे हुए हैं और हमारे भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु बाबा श्याम के कीर्तन का आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर और ताली बजाकर बाबा के कीर्तन का आनंद लेते हुए यानी कि बाबा के भजन सुनते हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं रंग महल गार्डन में। और अब आपको रूबरू कराएंगे करीब 10,000 की संख्या में यहाँ पर सभी श्याम प्रेमी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कैमरे की निगाह से। बोलो हारे के सहारे की, बोलो हारे के सहारे की जय श्री श्याम। हाथ उठाकर बोलिए। और सभी श्रद्धालु लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर करीबन मुझे मालूम हुआ है करीब 10 से 11,000 करीबन 20,000 श्रद्धालु यहाँ आए हैं बाबा के। 20,000 बाबा गिरिराज भक्त मंडल के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है और जय श्री श्याम। खाटू साहब के दर्शन कराइए आप पहले तो सभी को दर्शकों को जो इस भक्त मंडल में नहीं आ पाए इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए उनको पहले तो श्री श्याम बारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। एक आपके लिए भी है डैन और ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से बाबा का प्रसाद आपके लिए। और यहाँ पर क्या नाम है आपका? कुंजू। अच्छा पहले जय श्री श्याम बोलिए जल्दी। जय श्री श्याम बोलो, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम एक आपके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के रंग में डूबे हुए हैं और राधे राधे सभी के जुबान पर राधे राधे का नाम और अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए करीब 20,000 की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये बाबा की ज्योत के दर्शन यानी कि आज रंग महल गार्डन बना हुआ है खाटू धाम और सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं लाइन में लगकर बाबा की ज्योत तक पहुँचते हुए बाबा श्री श्याम के
दर्शन। चलिए अब आपको कराता हूँ बाबा श्याम के दर्शन। आगामी कार्यक्रमों की सब अपडेट आपको प्राप्त होगी और इंस्टाग्राम पर भी आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज और दोबारा पूछना चाहूंगा, किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ प्रभाव को और सीनियर भी? और आप ये बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं और बाबा श्री श्याम बाबा खाटू श्याम के दर्शन और आप सभी की आंखों के समक्ष चित्र विचित्र जी महाराज अपने भजनों से सभी को और बाबा श्याम को रिझाते हुए और बाबा श्याम के दर्शन आप कर रहे हैं रंग महल गार्डन। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदा श्री बरसाना धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना समस्त संत सिंह वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमारी भिक्षा दे दो। सभी बोलो श्री हरिदास। श्री जोर से वो सर्वप्रथम मेरे आराध्य मेरे जीवन प्राण अकारण करना वर्णा ने भक्तवान छा कल्प करो मध्यस्थ आप सभी रसिक वैष्णव भक्त वृंद प्रभु प्रेमियों को हमारी जय श्री राधे। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित आज की ये रसमयी दिव्य भावमयी संकीर्तन संध्या जिसमें हम सब श्री ठाकुर जी की पावन चरण सन्निधि में बैठ करके उनके पावन नामामृत को रसपान करने के लिए एकत्र हुए हैं। अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए इन पवित्र पलों का लाभ ले गान कला गंधर्व श्याम श्याम तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिपो से नृपति द्वार ठाड़े गए और दर्शन आशा जासी आशु भीर उद्योत करे रसिक छाप श्री हरिदास ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन की नाशे विघ्न अनेक इनके पद वंदन की नाशे विघ्न अनेक इनके पद वंदन की नाशे विघ्न अनेक
नामी की प्राप्ति होती है जी,
यहाँ बैठकर के अगर वृंदावन का नाम लोगे तो नाम लेते लेते कहीं बैठे बैठे वृंदावन के दर्शन होने लगेंगे। ये नाम साधारण नहीं लगेगा। आप कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते जपते आपके मानस में श्री कृष्ण की आकृति आने लगेगी जी। उसी प्रकार आचार्य संतों ने तो बड़ी सावधानी से कहा है, प्रगट वृंदावन में पहुंच के तो वृंदावन में जाने के बाद भी आप चलो ही चलो ही चलो वृंदावन दरबार सजाया है। ठाकुर जी को जहां भी विराजमान किया जाता है, ठाकुर जी अकेले विराजमान नहीं होते हैं, बल्कि ठाकुर जी अपने परिकर और अपने धाम के साथ विराजमान होते हैं। तो आप विश्वास मानिए, यहां सब बिहारी जी के चूलन के बच्चे चूलन के जग
और बिहारी कह दिया तो लड़ने लगोगे। बिहारी जी के सभी पागल आज यहाँ पर लड़ना भी क्या रखा अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हुए हैं तो और आप देख सकते हैं आरती तो समझना है जो ईंट पत्थर फेंके जो किसी को कुछ भी कह दे वो पागल नहीं होता। चित्र विचित्र जी परम पूजनीय चित्र विचित्र जी महाराज जो जिसको पाने की लगन में लग जाए वो ये भजन जैसे कि भक्त संध्या प्रभु पाने की रंग लगन महल लग गार्डन तो भक्त भगवान के पागल हो जाते हैं। किसान खेती करके फसल को पाने की करीब 20,000 यहाँ पर श्याम प्रेमी आए हुए और आप देख सकते हैं पूरा रंग महल गार्डन खचा खच भरा हुआ। बिहारी जी के बाके बाके पागल, बाके बिहारी जी के बाके बाके पागल।